Hey guys, welcome back to our another vlog। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गार्डन्स बाय द बे। इसमें मेनली हमारी तीन एक्टिविटीज़ हैं, फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट और सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी। इस वीडियो में मैं फ्लावर डोम को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फ्लावर डोम जाने के लिए हमें बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन जाना होगा। सिंगापुर में कहीं भी घूमने के लिए आप MRT का यूज़ कर सकते हैं। टैक्सी या बस के कंपैरिजन में MRT आपको बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगी। MRT से बाहर निकलते ही फ्रंट में होगा आपके मैप, राइट साइड में आपके टिकट्स काउंटर्स जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में आएगी एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक। इंडिकेशंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैं सितंबर में वहां गया था तो मौसम ठीक ठाक था, ज्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अपना छाता लेके जाएं। चलने में अच्छी खासी मेहनत होने वाली है आपकी क्योंकि मेन अट्रैक्शन तक का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है। वही इंडिकेशन आपको बीच बीच में दिख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बीच बीच में नज़ारे जो दिखेंगे ना आपको चारों तरफ, मरियाना बे सैंड्स, सिंगापुर फ्लायर, यहाँ से आपको दिखेगी ऑब्जर्वेटरी। भाई जन्नत जिसको कहते हैं ना असली, वो अब आपको दिखने वाली है। ये जो व्यू है ना यहाँ से, ये मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बेस्ट व्यू है। ये जो नज़ारा है ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाएंगी यहाँ की। सामने मरीना बे सैंड्स, बहुत ही दिलकश यहाँ का नज़ारा है। इतनी हरियाली है ना यहाँ पे और पोल्यूशन का तो नाम ही नहीं है। बहुत ही सुकून मिलने वाला है आपको यहाँ जाके। ऑब्जर्वेटरी तो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, मेरे राइट में भी है, लेकिन मेन जो ऑब्जर्वेटरी है सुपर ट्री वो अलग है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अच्छी खासी मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इतना चलने के बाद आप पहुँचेंगे फ्लावर डोम। यहीं मेन गेट के सामने टिकट काउंटर्स भी हैं, आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं अपनी, लेकिन वहाँ क्यू बहुत लंबी होती है। तो फ़ायदा है कि आप जब चलें तो अपना टिकट वहाँ से बुक करके चलें ताकि यहाँ से QR कोड से आप स्कैन करके आसानी से अंदर जा सकें। मैंने टिकट ली हुई है अपनी पहले से ही, तो स्कैन करके मैंने अपनी एंट्री यहाँ से ले ली है। कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा, तो यहाँ से एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट है, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। और जैसे ही यहाँ से आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा सा फ्लावर का गेट आपको दिखाई देगा।
इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपको मैं बताता हूँ। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशन गार्डन है। इसका निर्माण 2007 में पूरा हुआ था। 2015 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। यहाँ पे छोटा सा सिटिंग एरिया है जहाँ पर आप बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। प्राचीन सभ्यता के कुछ नमूने जो यहाँ पर इनके लगाए हुए हैं। इस विशाल ढांचे को मुख्य रूप से अलग अलग तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है इंडो एशिया गार्डन, जहां आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न फूलों का पता चलेगा। इस भाग में आप बम्बू वॉक और डायनासोर वॉक से गुजरते हुए इंडोनेशियाई कल्चर शो का आनंद ले सकते हैं। दूसरा भाग है मेडिटेरेनियन गार्डन, यहाँ आपको मध्य जलवायु के कुछ सबसे लोकप्रिय फूलों का पता चलेगा। इस भाग में आप इटालियन फार्म हाउस और आर्किटेक्चर शो देख सकते हैं। तीसरा और आखिरी है फॉरेस्ट गार्डन। यह फ्लावर डोम का तीसरा भाग है, जो कि अधिकतम फूलों वाले स्थानों में से एक है। इस भाग में आप दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के वनस्पति को देख सकते हैं, जो बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ आप दुनिया भर के कई प्रकार के पौधे, झाड़ियों, फूलों और झरनों का आनंद ले सकते हैं। ये ड्रैगन बेचारा अपनी जान बचाकर इतने लोगों से यहाँ चिपका हुआ है। और ये छोटे छोटे ड्रैगन्स ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। जल्दी ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें मैं सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी को एक्सप्लोर करूंगा। ऊपर आई बटन पर सिंगापुर टूर की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। एग्जिट पॉइंट हमारा इस साइड है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।